इन जर्मन मोटरसाइकिलिस्ट खातून पाकिस्तान के शहर झंग पहुंची हैं और जर्मन खातून मिलानी ने जो है वो डीपीओ ऑफिस का दौरा भी किया है। मिलानी जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स के साथ घुल मिल गई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंतजाम पर जो है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। उनका क्या कहना था आपको बताते हैं कि द जर्मन मोटरसाइकिलिस्ट वुमेन हैज रीच्ड द सिटी ऑफ झंग पाकिस्तान। जर्मन लेडी मिलानी आल्सो विजिटेड डीपीओ ऑफिस झंग एंड मिलानी mingled with the lady police officers. She expressed satisfaction over the Pakistan security arrangements. Milani says that the Pakistan is a peaceful and safe country. No fear was felt during the journey. Tourists from all over the world should come to Pakistan and see the nature. Milani is willing to travel around the world on her bike on this ocean. DPO Jung Tariq Mehboob said the domestic and foreign necessary steps have been taken to protect citizens. Is mauke par jo hai jo Milani hain unhone पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंतजाम को पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। मिलानी जो है उनका कहना था कि पाकिस्तान पुरअमन और महफूज मुल्क है। दौरान सफर किसी किस्म का कोई खौफ महसूस मैंने जो है वो नहीं किया है। दुनिया भर के सयाहों को पाकिस्तान आने की उन्होंने दावत भी दी। उनका कहना था पाकिस्तान आकर कुदरत का नज़ारा देखना चाहिए। मिलानी जो हैं वो अपनी बाइक पर दुनिया भर का सफ़र करने की जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं। और इस मौके पर जो डीपीओ झंग तारिक महबूब हैं उनका कहना था कि मुल्की और गैर मुल्की शहरियों के तहफ़ के ये ज़रूरी इकदाम जो हैं उसे यकीनी बनाने के लिए इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जबकि जर्मन मोटरसाइकिलिस्ट खातून पाकिस्तान के शहर जो हैं मुख्तलिफ शहरों से होती हुई पाकिस्तान के झंग पहुँची और झंग के मुख्तलिफ जो हैं वो जो रोड्स हैं वहाँ से गुजरती हुई अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हो गई। तो नाज़रीन वीडियो से मुतल्लिक जो है वो अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियोस आपको मौसूल होते रहें। Yeah, I've been accompanied and security escorted since I came to Pakistan. That's 11 days ago, and in all the regions, you know, everybody did their best and took really good care of me and escorted me safely so far until here. Yeah, I mean, due to the military escort, but also besides the escort, I felt no danger, no threat. I feel this is a super safe country. I feel very comfortable here, very welcomed, taken care of and invited everywhere I stop. So it's really a beautiful country to visit, and there's no issues so far that, you know, I can feel.